हेलो गाइस, वेलकम चैनल माय सेल्फ आशीष फ्रॉम एसएमएस जयपुर। और गाइस, अब अपन आया मैं नेक्स्ट वीडियो, दैट इज एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस। गाइस देखो यार, पहले मैं आपको एक बात बता दूं, पिछली वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई है, ठीक है। देखो क्या होगा, 5 घंटे मैं पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, 6 घंटे लग जाएंगे। वो जो एक, क्योंकि मैं 20 मिनट की वीडियो को 15 मिनट तक कंसाइज करूँ, 5 मिनट ज्यादा दे दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो चीज आपको समझ में आएगी ना, वो बहुत अच्छे लेवल पे आएगी। बाकी मैं कोई टाइम वेस्ट आपका करूंगा नहीं, टू द पॉइंट ही अपन बात करेंगे, 5-10 मिनट ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन फील लेना टॉपिक की। ओके, स्टार्ट करते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस, जो भी काम हो रहा था इन दोनों के लेवल पे हो रहा था, ये दोनों स्टिमुलेट करते थे पेरिफेरल एंडोक्राइन ग्लैंड को, और वहां से अपने इफेक्ट देखने को मिलते थे। तो देखते होता क्या है, देखो सबसे पहले मैं बनाता हूँ एक हाइपोथैलेमस। यहाँ पे अपन एक बहुत डायग्रामेटिक वे में चीजों को देखेंगे, एक पिक्टोरियल मेमोरी बनाने के लिए। ओके, ये मैंने बनाया एक हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये कुछ हाइपोथैलेमस है यार, अभी क्या आप लोगों ने एंडोक्राइन पढ़ लिया होगा, एंडोक्राइन क्या न्यूरो एनाटॉमी, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जो नए बच्चे देख रहे हैं, कोई नए बच्चा आया है, तो वो उसको देख के, डायग्राम को देख के डरे नहीं है। ब्रेन का मैंने एक सेक्शन दिया है, जहां पे मैंने एक हाइपोथैलेमस दिखाने की कोशिश करी है। होता क्या है, यहीं से एक स्टॉक आगे जाती है, अरे यार ये क्या हुआ, ठीक है। तो ये है एक स्टॉक जो यहां से ही आगे बढ़ रही है, इसको कहते हैं, अभी एक मिनट, एक सेकंड रुको, क्या बताना है मुझे सोचने दो। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। ओके देखो देखो देखो, ये जो आगे से एक स्टॉक गई है, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है, हाइपोथैलेमस के नीचे है, इसलिए इसका दूसरा नाम है हाइपोफाइसिस। क्या है, हाइपोफाइसिस। ये मैं लिख नहीं रहा क्योंकि फिर इसका एक क्लासिफिकेशन है, हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस के दो पार्ट है, एक ये और एक ये, ठीक है। हाइपोफाइसिस, इस हाइपोफाइसिस को कहते हैं क्या, एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है। इस हाइपोफाइसिस को क्या कहते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस। आगे बात समझ में। और जो नाम आपके दिलों में बड़ा फेमस है, दैट इज, इस आगे वाली ग्लैंड को कहेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी और पीछे वाली को कहेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी। आई थिंक यू आर गेटिंग इट। ओके, हाइपोफाइसिस है इसलिए एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एपिथेलियल सेल्स है। एडिनो मतलब ग्लैंड्स रिलेटेड, ग्लैंड एपिथेलियल सेल्स की ग्लैंड होती है, ठीक है। तो वो ग्लैंड्स सिक्रीशंस रिलीज करेगी, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एडिनो हाइपोफाइसिस। इसे न्यूरो हाइपोफाइसिस क्यों कहते हैं, क्योंकि न्यूरॉन्स हॉर्मोन्स रिलीज करेंगे या सिक्रीट करेंगे अपने जो भी केमिकल मैसेंजर्स है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एडिनो, दिस इज कॉल्ड न्यूरो। इसकी जरूरत नहीं है, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो या तो कह लें एंटीरियर पिट्यूटरी या पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और ये हो गया हाइपोफाइसिस। अच्छा, ये जो चीज है, ये है हाइपोफाइजल स्टॉक। क्या है, हाइपोफाइजल स्टॉक। या वो न्यूरो एनाटॉमी में पढ़ते हैं, पर मैं यहां आपको फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी बताना चाह रहा हूं। हाइपोफाइजल स्टॉक, ये सब टर्म्स क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी धीरे धीरे पता पड़ेगा। जहां पे ये चीज कंप्लीट हो रही है, ये वाला एरिया, ठीक है ना, ये वाला एरिया, ये है मीडियल एमिनेंस। इस पॉइंट को कहते हैं मीडियल एमिनेंस, जहां से ये हाइपोफाइजल स्टॉक चालू हो रही है। ओके, तो यहां तक आपको बात आ गई चीज समझ में। फॉर अगर आपने न्यूरो एनाटॉमी पढ़ी हो तो आपको पता होगा इसके आगे है ऑप्टिक काइज्म, ऑप्टिक काइज्म, और पीछे क्या है, मेमिलरी बॉडी। ओके, ये बात आपको आ गई समझ में। अब देखो होता है क्या, ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये अलग अलग तरह के, इसके अंदर क्या है, 5 तरह के सेल्स, और ये सेल्स क्या करते हैं, अलग अलग पेप्टाइड हॉर्मोन्स रिलीज करेंगे, ठीक है ना। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 तरह की सेल्स है, ठीक है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के लिए अलग से वीडियो बनेगी। हालांकि मैं आपको एक जनरल पहले यहां बता दूं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी 2 तरह के हॉर्मोन्स रिलीज करती है, 2 मेजर हॉर्मोन्स करती है, तो बहुत सारी होगी, पर अपन 2 मेजर हॉर्मोन्स पढ़ते हैं। नाम आपको बताऊं, हालांकि आगे बताऊंगा, पर सुन लो, एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। अभी अपन ये पढ़ने वाले एंटीरियर पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस, ठीक है। यह हाइपोथैलेमस, यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी 5 तरह के सेल्स है जो कि रिलीज करेंगे 6 तरह के हॉर्मोन्स। सुनना, तो वो 6 तरह के हॉर्मोन्स मैं आपको बताऊं एक बार। पहला, अलग अलग 5 तरह के सेल्स अलग अलग 6 तरह के हॉर्मोन्स रिलीज कर रहे हैं। सोमेटोट्रॉप्स, ये क्या रिलीज करता है, ग्रोथ हॉर्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हॉर्मोन। इसका एक और नाम क्या है, सोमेटोस्टेटिन, ठीक है ना, मैं यहां लिख नहीं रहा। सोमेटोट्रॉप्स और कॉर्टिकोट्रॉप्स, लिखा हुआ सब आपको नोट्स में मिल जाएगा, उसकी कोई चिंता नहीं है। कॉर्टिकोट्रॉप्स, कॉर्टिकोट्रॉप्स क्या रिलीज करता है, एसीटीएच। एसीटीएच क्या होता है, एड्रिनोकॉर्टिको
ट्रॉपिक हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ठीक है। थर्ड कॉर्टिकोट्रॉप्स हो गए, थायरोट्रॉप्स और गोनेडोट्रॉप्स और लेक्टोट्रॉप्स। थायरोट्रॉप्स क्या रिलीज करेंगे? TSH, थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। गोनेडोट्रॉप्स LH एंड FSH। लेक्टोट्रॉप्स प्रोलेक्टिन PRL। तो ये पांच तरह की सेल्स छह तरह के हार्मोन्स रिलीज कर रही है। एक दो है, ये गोनेडोट्रॉप्स दो रिलीज करता है, LH एंड FSH। अब होता क्या है, इस पिट्यूटरी को सिग्नल कौन देने वाला है? हाइपोथैलेमस। इसका मतलब यहां पे हाइपोथैलेमस को एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देने के लिए कुछ होना चाहिए ना यार, कैसे देगा? तुम खुद सोचो क्या होगा, बताओ। न्यूरॉन्स? नहीं, न्यूरॉन्स कहां की तरफ है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी की तरफ। अपन एंटीरियर पिट्यूटरी पढ़ रहे। होता क्या है, ये जो मीडियल एमिनेंस है, ठीक है ना, यहां से कुछ आर्टरीज जा रही है, और यहां पे कैपिलरी बेड बन रहा है, और यहां से फिर वेन्स पहुंच रही है, ठीक है। अरे बस सुन में, तो इस तरह का एक सिस्टम बना हुआ है, इस सिस्टम का नाम है हाइपोफाइजल। क्यों? हाइपोफाइजल स्टॉक है, तो हाइपोफाइजल ही से जुड़ा हुआ नाम होगा, हाइपोफाइजल पोर्टल वेसल्स, ठीक है, हाइपोफाइजल पोर्टल वेसल्स। इसका दूसरा नाम ये भी कह सकते हैं, हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजल पोर्टल वेसल्स, ठीक है। इसके अंदर से क्या जा रहा है, अब देखो, फील तो अब आएगी कि हो क्या रहा है, समझना। मान लो यहां पे एक स्टिमुलेशन आया, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी, सीएनएस स्टिमुलस हाइपोथैलेमस को मिला। इसने क्या किया, इसने ये स्टिमुलस यहां मिला, ये यहां से फाइबर्स चल रहे, ठीक है, और ये क्या करते हैं, यहां पे अपना सेक्रीशंस रिलीज करते हैं, ठीक है। ये सेक्रीशंस जो रिलीज किए, वो इसके अंदर चलते 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 इनको स्टिमुलेट करते हैं। ये सेक्रीशंस यहां ECF में रिलीज हुए, और ये यहां पे स्टिमुलेट इनिबिट जो करना है करेंगे, कुछ इनिबिट करेंगे, ठीक है, स्टिमुलेशन इनिबिशन। तो समझ रहे हो, हाइपोथैलेमस से ये एंटीरियर पिट्यूटरी अपनी क्या हो रही है, कंट्रोल, ओके। और ये हाइपोथैलेमस को कहां से स्टिमुलस आ रहा है, कोई भी सीएनएस स्टिमुलस, समझ रहे हो, सीएनएस स्टिमुलस की। अब ये क्या होता है, ये अपन पढ़ते हैं सेंसरी सीएनएस में, ये उसका टॉपिक ही अलग है, इसलिए मैं इसको छेड़ नहीं रहा यहाँ पे। सेंसरी सीएनएस से फिर यहाँ पे हॉर्मोन्स निकले, ये हॉर्मोन्स इसको स्टिमुलेट करेंगे, जो जो चीजें स्टिमुलेट होती जाएगी, सोमेटोट्रॉप्स, कॉर्टिकोट्रॉप्स, थायरोट्रॉप्स, गोनेडोट्रॉप्स, लेक्टोट्रॉप्स, उस तरह के हॉर्मोन्स रिलीज होते जाएंगे, और ये हॉर्मोन्स पेरिफेरल ग्लैंड पे एक्ट करेंगे, और वहां से लेवल 3 के हॉर्मोन्स निकलेंगे। ये क्या है, लेवल 1 के हॉर्मोन्स, ये क्या है, लेवल 2 के हॉर्मोन्स, और लेवल 3 के हॉर्मोन्स जब ये पेरिफेरल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे, वो हॉर्मोन जो रिलीज होंगे, उसी के इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स, हाइपो हो जाएगा तो क्या होगा, हाइपर हो जाएगा तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होगा, हाइपर में क्या होगा, वो सब चीज अपन वैसे पढ़ने वाले। तो समझ रहे हो, तो ये दोनों का सिस्टम मैं आपको यहां पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट टॉपिक से ये सारे हॉर्मोन्स क्या एक्ट करेंगे वो सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। जैसे अगली वीडियो में अपन देख लेंगे कि अब जैसे सोमेटोट्रॉप है तो HGH क्या करने वाला है, फिर देखेंगे अपन ये TSH क्या करने वाला है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करके T3 T4 रिलीज करेगा, इसके इफेक्ट्स क्या आएंगे, तो इस तरीके से अपन चलने वाले। ओरिएंटेशन ले रहे हो, फील आ रही है आपको, ओके। तो अब हो क्या रहा है, अब ये जो हॉर्मोन्स रिलीज हुए, ठीक है, ये जो लेवल 1 के मैंने हॉर्मोन्स के नाम लिखे हैं यहाँ पे, एक्चुअल में अपन ये और देख थोड़ा सा इसके बारे में और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये जो मैंने लेवल 1 के हॉर्मोन्स जिन्हें कह रहा हूं, ठीक है, ये क्या होते हैं, रिलीजिंग या इनिबिटिंग हॉर्मोन्स, ठीक है ना, इन्हें क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग और हाइपोथैलेमिक इनिबिटरी हॉर्मोन्स या फैक्टर्स, ठीक है ना। तो वही सब एक्ट करने वाले और वही आगे जाके सारा सिस्टम संभालेंगे। तो देखो इसके अंदर क्या क्या आता है, पहला, अब देखो यार, पांच सेल्स को स्टिमुलेट करना है तो पांच हार्मोन्स अलग अलग तरह के चाहिएंगे। पहला TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो किसको, इसको स्टिमुलेट करेगा। अरे यार वो तो नीचे दिख ही नहीं रहा है ना, देखो ये पांच सेल्स को स्टिमुलेट या इनिबिट करने के लिए पांच अलग तरह के मेन हार्मोन्स चाहिएंगे, तो अलग अलग पांच हार्मोन्स के ऊपर नाम लिखेंगे। TRH थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, वो थायरोट्रॉप्स पैक्ट करेगा, और फिर वो TSH रिलीज करेंगे, वो TSH थायरॉइड पैक्ट करेगी, फिर वो T3 T4 रिलीज करेगी। तो पहला हो गया TRH, दूसरा CRH, K
क्या कहेंगे, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, अगला ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, अगला गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, अगला प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। एक्चुअली प्रोलैक्टिन के कंट्रोल के लिए मेनली रिलीजिंग हार्मोन नहीं होता, इनहिबिटरी हार्मोन होता है। तो समझ लो इससे भी कैसे कंट्रोल हो रहा है, मान लो कोई चीज रिलीज होती जा रही है तो ये आ जाएगा, ये आ गया मतलब बंद हो जाएगा, ये बंद हो गया मतलब वो निकल जाएगा। तो देखो कंट्रोल कितना अच्छा है, बॉडी ने क्या कंट्रोल सिस्टम बना रखे, टीआरएच सीआरएच जीएचआरएच जीएनएच जीएनआरएच एंड पीआईएच, ये अलग अलग अपना वर्क करेंगे। अच्छा एक पॉइंट जो मुझे लगता है यहां से टीचर पूछ सकता है, अगर आप ज्यादा आंसर दोगे ज्यादा होशियारी मारोगे टीचर के सामने, वो ये पूछेगा कि क्या यही हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं और कोई हॉर्मोन्स रिलीज नहीं होते? बहुत सारे हॉर्मोन्स रिलीज हो सकते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं मे और मे नॉट भी, और उनको उनके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, बट वो ये कहते हैं। अब देखो हुआ क्या, मैंने जो मेन हॉर्मोन्स बताए तो ये चार तो क्या करते स्टिमुलेट, और ये एक क्या करता है इनहिबिट, मतलब और भी ऐसा हॉर्मोन्स रिलीज होते होंगे जो इन चार को इनहिबिट करे और प्रोलैक्टिन मतलब लैक्टोट्रॉप्स को स्टिमुलेट करे, उन हॉर्मोन्स को कहते हैं फिजियोट्रॉपिक हॉर्मोन्स। अरे पसंद में उन हॉर्मोन्स को क्या कहते हैं फिजियोट्रॉपिक हॉर्मोन्स, हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहे इसलिए इसका पूरा नाम होता है हाइपो फिजियोट्रॉपिक हॉर्मोन्स। आपको आ रही है बात समझ में? वो क्या करेंगे इनको, इन चारों को तो इनहिबिट करेंगे, थायरोट्रॉप्स कॉर्टिकोट्रॉप्स गोनेडोट्रॉप्स सॉरी गोनेडोट्रॉप्स सोमेटोट्रॉप्स और लैक्टोट्रॉप्स को स्टिमुलेट करेंगे, बट मेनली जो अपन पढ़ते वो इन्हीं को पढ़ते क्योंकि ये लेस स्टडीड है लेस एविडेंट है, ठीक है ना, इसका इतना क्लियर प्रूफ नहीं है बट स्टिल वी हैव गिवन अ नेम हाइपो फिजियोट्रॉपिक हॉर्मोन्स। हाँ तो ये था टॉपिक की एक अच्छी फील। अब अपन जो अब यहाँ से आपके मतलब बेसिक्स खत्म होते हैं, नेक्स्ट वीडियो से अपन अब मेन टॉपिक्स पे चालू करेंगे, अलग अलग हॉर्मोन्स उसके हाइपो हो गया तो वो क्लिनिकल केस क्या बनेगा, हाइपर हो गया तो क्या बनेगा। मैं आपको कोशिश करूंगा क्लिनिकल केस स्टडी भी लाके दूं जिससे आपको पूरा डॉक्टर वाला फील आ जाए। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, नोट्स आपको यार ये सब चीज़ें कैसे पढ़नी है, हालांकि देखो इस चीज़ की तो जरूरत नहीं थी, आपने नहीं भी बनाए होंगे, बट आने वाले वीडियोस में यार मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन तभी कर पाऊंगा जब मैं ये सब लिखने में थोड़ा कम टाइम लगाऊंगा और चीज़ों को एक्सप्लेन करने में ज़्यादा टाइम लगाऊंगा। तो नोट्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहां से मिल जाएंगे। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।